ओके, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, कृष्ण कर्णामृत से। सो ब्यूटीफुल वर्स। कोई एसोटेरिक नहीं है, कोई हाई फाई नहीं है, बट बहुत सुंदर और बहुत फिलोसॉफिकल है। और कमेंट्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है कृष्ण कर्णामृत पे, जिसका नाम है सारंग रंगदा। सारंग मतलब होता है हम्स, और रंगदा मतलब होता है इंजॉय जो करते हैं, जो इंजॉयमेंट देते हैं। रंगदा, दा मतलब देना, रंग मतलब श्री रंगम, रंगा रंगा कहते हैं, यू नो इंजॉयर। सो ये कमेंट्री, जो हंस रूपी भक्त हैं वो जब ये कमेंट्री पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण को बहुत इंजॉयमेंट दे सकेंगे, अगर वो कमेंट्री पढ़ के अपने आप जीवन में इम्बाइब करें और समझें इसको। क्लियर है? इसलिए इसका नाम, कमेंट्री का नाम क्या है? सारंग रंगदा। क्या यूं कह लीजिए कि कमेंट्री हंस रूपी भक्तों को आनंद देती है, कौए जैसे डिवोटीज को नहीं देती आनंद। सो हंस रूपी डिवोटीज को, हंस मतलब जो कि माया और कृष्ण को अलग कर सकते हैं, उनको आनंद देगी। ओके, क्या लिख रहे हैं श्लोक? 104 श्लोक है, 104 कृष्ण कर्णामृत में। टोटल जो वर्सेस हैं वो हैं 112 वर्सेस हैं, 104 श्लोक है। ब्यूटीफुल राइम, ब्यूटीफुल संस्कृत पोएट्री, अलंकार है। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे जीवनम चमे जीवितम चमे दैवितम चमे देवनापरम। ब्यूटीफुल वर्स। ओके, क्या कह रहे हैं वो? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि बार बार सुन रहे हो क्या, चमे चमे नहीं, प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे। बार बार बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मतलब मुझे आपने ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, यू नो लाइक, एंड ही इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि आप मुझे ये दीजिए। सो क्या मांग रहे हैं बिल्मुना ठाकुर भगवान से? ऑफकोर्स मेटेरियल चीज़ें तो मांग नहीं रहे होंगे, क्या मांग रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देना कि एग्जैक्टली क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, ये नोट कर लेना क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यही हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए भगवान से, और सीक्वेंस क्या है वो भी नोट करना, किस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी वो आ जाएगा सारी चीज़ें, मगर सबसे पहले वो कह रहे हैं दैवतम चमे, कि कृष्णा आप मेरे दैव हैं। तो संस्कृत में दैव, संस्कृत डिक्शनरी में दैव के कई मतलब हैं, एटलीस्ट 4 मतलब तो मुझे पता है दैव के। पहला मतलब है दैव का कि एक गॉड, एक डीटी, है नी, भगवान या पूजनीय डीटी, पूजनीय कैसे कहते हैं, पूजनीय व्यक्ति को, हाँ उनको दैव कहा जाता है, देवता से नहीं। सो कृष्णा, कृष्णा परम देव हैं, कृष्णा देवम भवन्ते, कृष्णा परम देव हैं, उनको भी दैव कहते हैं, इसलिए उनको दैव कहते हैं। दूसरा मतलब दैव का होता है अच्छे गुण, दैवी गुण, वो दैव है, वो व्यक्ति दैव है, वो व्यक्ति देव है, इसका मतलब उसमें अच्छे गुण है तभी वो देव है, जिसमें बुरे गुण है वो आसुरी है, नहीं यही है ना, देवगण, राक्षसगण एस्ट्रोलॉजी में, मानुषगण। तो दूसरा मतलब है अच्छे गुण। तीसरा मतलब होता है देव का डेस्टिनी, किस्मत। भगवत में कौन सा श्लोक है जिसमें किस्मत शब्द है देव का? अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम तक चेष्टा दैवम पंचमम, पांचवा फैक्टर क्या है किसी भी कार्य में? दैव। तो वहाँ पे कई आचार्य लिख रहे हैं पांचवा फैक्टर, कोई भी काम करोगे पांचवा फैक्टर है आपकी किस्मत, आप कुछ भी करते रहो जो होना है वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना है होगा। सो दैव का तीसरा मतलब डेस्टिनी है। चौथा मतलब है दैव का लस्ट, शाइनिंग, नहीं जिस भी जैसे कहते हैं ना ये देव पुरुष है भाई, इतनी रोशनी निकल रही है इसके, होता नहीं होता है ऐसे, पिक्चर नहीं दिखाते इतनी रोशनी निकल रही है, जो महान लोग होते हैं यू नो बॉडी से देव है, रोशनी, देव का मतलब रोशनी भी होता है,
लस्टर होता है, प्रकाश। जिस भी व्यक्ति में से प्रकाश निकलता है वो दैव है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने लेक्चर में बोला था कि ब्रह्मचारियों को ऐसा होना चाहिए कि जब वो रोड पे चले तो उसके शरीर से प्रकाश निकले और जो टॉप फ्लोर से देख रहे हैं उसको सीधा नीचे उतर करके दंडवत करे। ये ब्रह्मचार्य ऑफकोर्स ऐसा तो कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग तो सब केले के छिलके हैं, लटके हुए हैं प्रकाश प्रकाश तो भूल जाओ। बट दैट्स हाउ ब्रह्मचारीज होते हैं। ऋषि श्रृंगा वेरी एफलजेंट, प्रकाश निकलता था, दैव पुरुष थे। उनके पैर रखते ही जनकपुरी में बारिश हो गई है, नहीं पैर रखते ही बारिश हो गई। ये सेम ऋषि श्रृंगा को दशरथ जी ने भी बुलाया था यज्ञ करने के लिए, इन्हीं को बुलाया था। वन ऑफ द प्रीस्ट ऋषि श्रृंगा भी थे जो यज्ञ होता, जो राम भगवान के लिए यज्ञ कहता पुत्र प्राप्ति के लिए, दशरथ जी ने यही थे। वेरी पावरफुल पर्सन। और पांचवा मतलब है दैव का, जहां प्रकाश है वहां ज्ञान है। सो जो दैव पुरुष होते हैं उनमें ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, जिसमें नॉलेज होती है शास्त्रों की, शास्त्रों की नॉर्मल नहीं, उसको दैव पुरुष कहा जाता है, वो भी दैव है, नहीं क्लियर हो गया। और अगर इसी से थोड़ा सा जोड़ लो तो ज्ञान किसका, शास्त्रों का। शास्त्र में क्या, धर्म। धार्मिक व्यक्ति को भी दैव कहते हैं, देव कहते हैं। तो जो इस संसार में जो अच्छे लोग होते हैं, धर्म पालन करते हैं, उनको कहते हैं ना कि भाई ये देवता जैसा है, है ना। और तो कहते हैं कि भाई ये तो साक्षात देवी जैसी है। सो ये सारे मतलब दैव के हैं। सो एक्चुअली बृंदा ठाकुर कह रहे हैं दैवतम च मे, कृष्णा आप मेरे दैव हैं। आप ये छों मतलब लगा दो यहाँ, कृष्णा आप मेरे पूजनीय डीटी हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप ही मेरी किस्मत हैं, आप ही मेरा दुख हैं, आप ही मेरा सुख हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही ज्ञान हैं, आप ही धर्म हैं, आप ही सब कुछ हैं। रूप रूपा गोस्वामी के लिए नहीं, क्या है, क्या है वो श्री रूपा मंजरी पदा सही मोरा संपदा, सही मोरा भजन पूजन, सही मो फिर क्या, सही मोरा वांछा सिद्धि, सही मोरा आभरण, सही मोरा तपा, सही मोरा जपा, बस वही है। अब सब कुछ आप ही है मेरे। सो दैट्स आइडिया। इसलिए कह रहे हैं दैवतम, दैवतम चमे, मतलब भगवान को छोड़ के। और फिर कह रहे हैं दैवतम चमे देव ना परम, आपको छोड़ के मेरे जीवन में और कोई देव परम नहीं है। द आइडिया इज कि आपको छोड़ के मैं किसी की शरण नहीं लूंगा। चाहे दुनिया बोलती रहे शिव बड़े हैं, ये वो भगवान है, ये भगवान है, हमें नहीं, हमें तो आपकी शरण चाहिए, बस हम कन्विंस्ड हैं, आप हमारे, हम आपके। ये 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 व्रज का मूड है, ये व्रज का मूड है। व्रजवासी इसको लगता है कि नारायण भगवान है, बट फिर भी वो किसकी शरण लेते हैं, कृष्ण की। उनको उनको उनके सामने नारायण भी, कृष्ण ने नारायण का ही रूप ले लिया चार भुजा लेकर, तो गोपियाँ ही, गोपियों ने क्या बोला, हाँ चलो आपके दर्शन हो गए, भगवान बहुत अच्छा है। गोपियों ने कहा कि भगवान आप आ गए बहुत अच्छे हैं, हमें कृष्ण का पता बता दीजिए, दैट वॉज देयर रिक्वेस्ट। तो कृष्णा भी, कृष्ण नारायण का रूप लिया था चतुर्भुज में, कृष्ण हंस रहे थे ऐसे, मुंह ऐसे करके खड़े होते, हंसी रोक रहे थे, हंसी रोके रहे खड़े हुए थे बस। तो गोपियों ने पूछा बताइए कहाँ है, तो कृष्ण के चार हाथ थे ना, तो ऊपर वाले हाथ से ऐसे कर दिया डायरेक्शन, क्योंकि बोल वैसे बोलते हंसी देते थे, तो बस कुछ के खड़े होते, तो सब चली गई। फिर राधा आ गई तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को, उनके दो हाथ गायब हो गए और फिर से मुरली आ गई, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग लाइक मैड, नहीं रोक के रखी थी ना, दैट्स आइडिया। सो ब्रजवासी भगवान में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी निर्मला ठाकुर ये नहीं कह रहे कि ईश्वरम चमे, ईश्वर वर्ड नहीं उस कर रहे, भगवान नहीं कर रहे, दैवम कर रहे हैं, आप ही सब कुछ है मेरे भगवान। एक्चुअली हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, हम कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान है। हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए नहीं करते, वो भगवान है, वो मेन फैक्टर नहीं है, सेकेंडरी है। मेन फैक्टर क्या, क्यों पूजा करते हैं उनकी, क्यों उनके साथ हैं हम, क्या हो गया, प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत बड़ा वर्ड, मतलब आई नीड अ स्पेसिफिक वर्ड, क्यों रूपलाल साहब क्यों हो गया कृष्ण के साथ,
फिर तो गलत है, फिर तो ये सही नहीं है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, उनके यहाँ से मालिक। आप मुस्लिम हो क्या? नहीं, हम उनके साथ क्यों हैं? क्योंकि नेक्स्ट कह रहे हैं वो। कृष्ण ने पूछा, कृष्ण वैसे कमेंट्री में वही लिख रहे हैं, कमेंट्री में कृष्ण के स्वामी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे बिलमंगला ठाकुर का क्वेश्चन एंटिसिपेट करते हुए। तो कृष्ण पूछ रहे हैं, बिलमंगला बहुत अच्छा है, तुमने मुझे दैव कहा है, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी शरण में हो, ये बताओ क्यों? तुम मुझे ईश्वर नहीं मान रहे, फिर भी क्यों मेरे साथ? तो बिलमंगला ठाकुर कह रहे हैं ओके, वो कह रहे हैं प्रेम अदम चमे, रीजन दे रहे हैं प्रेम अदम। प्रेम अदम का मतलब क्या है? प्रेम दम, द द जिसके भी पीछे आ जाता है उसका मतलब होता है देने वाला, है नहीं? जैसे कौन सा वर्ड है द पीछे लगा होता है? ददाती नहीं, प्रसाद, तो वो तो वर्ड ही हो गया। हाँ, क्लेश अग्नि शुभधा, शुभधा शुभ देने वाले, है नहीं? शुभधा या शिवदा, मंगलमय देने वाले। दा जिसके पीछे लगा दो तो मतलब देने वाले, है ना? तो प्रेम दम, सो प्रेम देने वाले हैं। चक्कर यह है कि विष्णु भी प्रेम नहीं दे सकते, राम भी प्रेम नहीं दे सकते, प्रेम केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, कृष्ण। ये बहुत बड़े पॉइंट है। रूपा गोस्वामी ने पदयावली में एक श्लोक लिखा है, इसमें रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के सारे नाम तारक हैं, केवल कृष्ण नाम पारक है। तारक और पारक, तारक होता है मुक्ति देने वाले, कृष्ण नाम पारक है। पारक मतलब, पारक मतलब होता है जो जो आपकी सोल को नरिश करते हैं, पारक प्रेम देने वाले। केवल कृष्ण अवतार में ही प्रेम मिलता है, और किसी अवतार में प्रेम नहीं, मुक्ति मिलती है। कृष्ण प्रेम सबको दे सकते हैं। राम बाकी अवतारों में भगवान प्रेम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्रेम देते हैं मगर सिलेक्टेड लोगों को, बहुत ही जनरल मुक्ति है। कृष्ण अवतार में सबको प्रेम देते थे, सिलेक्टेड कुछ नहीं, प्रेम देते हैं। क्लियर है? जो भी कृष्ण बोलेगा इज क्वालिफाइड टू अटेन प्रेम, है ना? बाकी अवतारों में कोई भी राम बोलेगा वो प्रेम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, मुक्ति के लिए है। प्रेम के लिए तो फिर कुछ स्पेशल उसको करना पड़ेगा, पता नहीं जो भी है। क्लियर है? तो इसलिए विष्णु, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप के साथ में इसलिए क्योंकि आप प्रेम देते हैं। बाकी सारे भगवान के अवतारों को बोलते हैं द गॉड ऑफ लिबरेशन, कृष्ण क्या बोलते हैं? द गॉड ऑफ लव। कृष्ण को केवल एक ही चीज आती है, प्रेम करना, प्रेम दो प्रेम लो। एक सॉन्ग भी था ना पहले, हाँ, अरे हाँ, अनिल कपूर था ना उसमें, बच्चों में देखी थी मैंने, प्यार दो प्यार लो, यही था ना? वो ड्रग्स पीते रहते तो कुछ था ना, इट वाज अ फेमस सॉन्ग। क्या हो गया, ये तो आपने पिक्चर नहीं देखी क्या? ठीक। सो दैट्स एक्चुअली कृष्ण, कृष्ण को केवल एक ही चीज आती है, प्रेम करना और प्रेम लेना, बस। ही इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ लव, एक्सपर्ट है वो प्रेम की कला में। इसीलिए कृष्ण से डील करना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रेम में इतने एक्सपर्ट हैं कि थोड़ी सी भी कुछ इधर उधर हो जाए वो पहचान लेंगे। प्रेम में आप चीट नहीं कर पाओगे उनको, ना उनको उनको छल कर पाओगे, इज वेरी एक्सपर्ट। और ना ही वो टॉलरेट कर पाएंगे प्रेम में, अगर आपने कुछ कुछ हैंकी पैंकी टिंकी पिंकी किया, नहीं। इज अ गॉड ऑफ लव, प्रेम अदम, आप प्रेम देते हैं। कृष्ण कर समय वही के लिख रहे हैं कि और कोई प्रेम देता ही नहीं, तभी मैं आपके साथ हूँ, मैं मुक्ति का क्या करूँगा? प्रेम से तो रिलेशनशिप बनता है, मुक्ति का करूँगा क्या मैं? आप प्रेम, प्रेम देने का मतलब कि भगवान उस डिवोटी का ऐसा रिलेशनशिप बना लेंगे कि वो सोच भी नहीं सकता किसी के पास जाने की। यू सी दैट्स अ पॉइंट। भगवान ने ये क्वेश्चन पूछा कि भी तुम मेरे पास क्यों चिपके हुए हो, क्यों चिपके हो मेरे साथ? उन्होंने कहा कि भगवान मैं चिपका थोड़ी ना, आपके आपने चिपकाया मुझे, आपके पास कला है सबको मोहित करने की अपने प्रेम से, और आपने मुझे ट्रैप कर लिया है। ये अल्टीमेटली ये हो रहा है, प्रेम अदम। मैं नहीं, मैं सोचूं भी तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आइडिया।
कृष्ण इतने अट्रैक्टिव है, भगवान का प्रेम इतना अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट एक सेंट ये भी लिख रहे हैं, अच्छा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, ठीक है। ये मगर किताबों में है, असली में क्या है? इसी को मैं करना चाहता हूँ, इसी में डीप में जाना चाहता हूँ, मतलब दे कैन बी मेनी आंसर्स। असली में क्या है, प्रैक्टिकली क्या है? चलो प्रैग्मेटिकली क्या है, तो किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकली क्या है? प्रेम नहीं है जीवन का लक्ष्य, प्रेम पाने की इच्छा जीवन का लक्ष्य है। आप ध्यान से सोचोगे तो, क्योंकि जितनी प्रेम की भूख होगी उतना ही प्रेम में मजा आएगा, है नहीं? अगर प्रेम ऐसे ही मिल गया तो फिर क्या मजा आएगा उसमें। इसलिए कई सेंट्स कहते हैं कि भगवान हमें प्रेम नहीं, हमें प्रेम की भूख चाहिए। इसे किताबों में नहीं है ये, मगर जो व्यक्ति त्रिनाद अपि सुनी चेना प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको खुद समझ आ जाएगा, वेल यस मुझे प्रेम की भूख चाहिए। बिना भूख के खाना भी अच्छा नहीं लगता, क्यों? बिना भूख के प्रेम भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रेम की भूख चाहिए। प्रेम की भूख गीता में कहाँ है? हमें प्रेम की भूख चाहिए गीता में कहाँ है, पता है आपको? वैसे नहीं, वो तो अलग हो गया। कहाँ है माधव, कहाँ है बताओ? ठीक है कोई नहीं, यस 10th chapter 9th verse, नहीं सॉरी 12th chapter 9th verse, 9th ही है ना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो, कृष्णा कह रहे हैं। प्राप्त करने की इच्छा मतलब प्रेम की इच्छा, और तो या तो प्रेम की भूख कह लो, या अगर आप और इसको थोड़ा सा और सहज्यापंती बनाना चाहते हो या रसिक लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, तो कई सेंट्स कहते हैं भगवान मुझे प्रेम का दर्द चाहिए, व्हाट अबाउट दैट, द पेन ऑफ लव। प्रेम पाने की जो इच्छा है, जो उसमें दर्द है, वो चाहिए मुझे। इंटरेस्टिंग है नहीं? और अगर और बनाना चाहते हो उसको रसिक, थोड़ा और जूस लेना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि भगवान जिसको सुख चाहिए उसको दे दीजिए, मुझे तो दर्द चाहिए। क्या कहते हो? मुझे नहीं सुख चाहिए, तो मूर्खों के लिए है सुख, तो हमें पेन चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे, ये हमारे गौड़िया वैष्णव में यही है, बाय द वे यही है गौड़िया वैष्णविज्म। सो इसको कहते हैं प्रेमदम, प्रेमदम चमे। तो कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, मैं प्रेम देता हूँ इसलिए तुम मेरे साथ हो, और एक्चुअली तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें ट्रैप किया है अपने प्रेम से, दैट्स ओके, मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे पता ही है। बट एक मुझे आंसर करो कि ठीक है तुम मुझसे मेरे साथ हो, तो तुम मेरे कौन से रूप पे ध्यान लगाना चाहते हो? पौगंड मतलब बाल लीला, किशोर लीला, यौवन लीला, कौन से लीला पे ध्यान लगा रहे हो? तुम मुझ पे ध्यान लगाते हो मुझे पता है, तो तुम मेरी बाल लीला पे चिंतन क्यों नहीं करते? तुम मेरे पौगंड लीला पे चिंतन क्यों नहीं करते? बाल लीला पौगंड लीला समझते हो ना, किशोर लीला पे क्यों करते रहते हो? तब बिंगलाना ठाकुर कह रहे हैं वेल काम अदम चमे, आप सिर्फ प्रेम नहीं देते, आप प्रेम में स्पेशल काम अदम मतलब माधुर्य रस देने वाले। इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन केवल किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है आपका। इसलिए बिंगलाना ठाकुर कह रहे हैं मैं आपको हमेशा राधा के साथ ही देखना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं देखना आता, क्योंकि राधा के साथ आप और कैप्टिवेटिंग हो जाते। कैप्टिवेटिंग कैसे कहेंगे? कैसे मोहक, मोहक मोहक राधा के साथ आप और मोहक हो जाते हैं।
आपका जो प्रेम है वो सबको अपने जाल में फंसा लेता है, मगर राधा के साथ आप इतने ज्यादा मोहक हो जाते हैं कि फिर तो कामदेव भी कुछ नहीं कर सकता। काम अदम जमे विमला ठाकुर। एक्चुअली विमला ठाकुर ये प्रूव करना चाहते हैं कृष्ण को कि कृष्णा मैंने आपको चूज नहीं किया है, आपने हमें चूज किया है, उल्टा है। भगवान ने हमें हमने चूज नहीं किया, भगवान ने हमें हमें भक्ति मिलाए हैं चूज करके, जो भी क्रिटेरिया हमें नहीं पता, बट ही हैज़ ब्रॉट अस हेयर और वो अपनी अपनी प्राप्ति कराएंगे। हमने चूज नहीं किया उनको, हमें तो एबिलिटी है ही नहीं। सो काम अदम चमे कृष्ण, वो कह रहे हैं कि वेल कृष्णा मैं तो आपके आपके काम रूपी प्रेम जो है, माधुर्य प्रेम, उसी पे ध्यान लगाऊंगा मैं तो, क्योंकि वही सर्व आकर्षक है। वैसे वैसे माधुर्य माधुर्य रस पे क्यों ध्यान लगाते हम, और क्यों नहीं है साखे रस, वात्सल्य रस, वो सब क्यों नहीं है? ज्यादा एंजॉय का मोड में होते हैं, क्योंकि माधुर्य रस में कृष्ण को बहुत सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, सबसे ज्यादा हैप्पी है। और सबसे ज्यादा हैप्पी क्यों है, क्योंकि किसके साथ है, राधा के साथ। मतलब आप वैसे संसार में भी देखो सबसे ज्यादा हैप्पी व्यक्ति किसके साथ होता है किसके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ ना, गर्लफ्रेंड के तो मम्मी पापा को भी छोड़ देते देखो वात्सल्य रस से ऊपर है, सबसे ज्यादा हैप्पी गर्लफ्रेंड के साथ होगा, इसलिए सेम यहाँ पर भी सबसे ज्यादा हैप्पी किसके साथ है, कृष्ण के साथ, राधा के साथ, दैट्स ऑल, सेम सेम मैकेनिक्स है, सेम। कृष्णा इतने हैप्पी होते हैं अपने आप को भूल जाते हैं राधा के साथ, ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ, भूल ही जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हम वर्शिप किसके साथ करते हैं, राधा के साथ करते हैं, नहीं सामने राधा ही कृष्ण ही तो है, क्यों करते हैं राधा कृष्ण की वर्शिप, क्यों हम सीधा राधा को रखते हैं साथ में, नहीं, 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 एक स्टेप और बोलना पड़ेगा आपको। अगर अकेले रहेंगे तो समझने की कैपेसिटी है, और समझ ली उन्होंने हमें तो हम नर चले गए फिर तो हम गए, राधे कहते तो समझ नहीं पाते कुछ, इसलिए हम जाते हैं तो कृष्णा कहते हैं हाँ ठीक है मैं कृपा दे रहा हूँ जाओ, यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, दैट्स हाउ जो सेंट्स हैं वो रसिक लोग इस तरह से सोचते हैं, बाय द वे जस्टिस करने की कैपेसिटी लूज कर देते हैं वो, इसलिए सबको ब्लेसिंग्स देते हैं राधा के साथ। इसलिए अकेले भगवान की हम ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, कि उसमें अगर जस्टिस हो गया हम हमेशा के लिए नर्क चले गए, हमारे तो सारे चिट्ठा खुल जाएगा, आज का दिन ही काफी है हमें नर्क भेजने के लिए पूरे करोड़ों जीवन का कोई जरूरत नहीं है, आज का दिन ही काफी है। सो कामदम चमे वेदनम चमे, फिर भगवान ने बोला ठीक है ठीक है, तुम मेरे किशोर रूप की और राधा के साथ उपासना करते हो तो तुम्हें समझ कैसे आएगा, ये तो बहुत हाई टॉपिक है, राधा कृष्ण माधुर्य रस। विनोद ठाकुर कह रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वेदनम चमे आपके द्वारा ही मुझे समझ आएगा, वेद वेद मतलब विद धातु से समझाना जानना, आप ही अपनी अपना रहस्य मुझे बताएंगे। सो कहने का मतलब है भगवान को समझने का तरीका भगवान खुद हैं, वेदनम चमे यू आर अलोन माई टीचर। एक्चुअली बिल्वन ठाकुर कह रहे हैं कि आप ही मेरे शिक्षा गुरु हैं। सो वैसे भी कहते वंदे कृष्णा जगत गुरु, नहीं कृष्णा शिक्षा गुरु, कृष्णा कैसे शिक्षा गुरु है हम सबके, वैसे तो ये बहुत बात होती है ना शिक्षा परंपरा दीक्षा परंपरा, नहीं हमारी कौन सी परंपरा है, क्योंकि पहले कौन है, कृष्णा ही है ना सबसे आदि शिक्षा गुरु तो वही है। क्यों है, क्योंकि जब हम भक्ति में एडवांस कर जाते हैं तो भगवान हार्ट से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बोल के नहीं आएंगे, इंस्पिरेशन के रूप प्रेरणा के रूप में आएंगी इंस्ट्रक्शंस,
और आपको पता लग जाएगा आपको कब क्या करना है। जैसे शीला प्रभुपाद ने जुहू पंडाल प्रोग्राम में मैरिज कराई थी, पता है ना, एक ऑस्ट्रेलियन थी, पता नहीं एक कुछ दो फॉरनर्स थे, सबके सामने पंडाल 50,000 लोगों के सामने। तो डिसाइपल से पूछा ये क्या हो गया, प्रभुपाद ने कहा लास्ट नाइट कृष्णा ने मुझे बोला था कि शादी कराओ। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? पंडाल प्रोग्राम में थोड़ा ना कोई कराता है, वो आध्यात्मिक प्रोग्राम हो रहा है, लेक्चर हो रहे हैं, नेक्स्ट दिन शादी हो रही है, ये पागल है। और प्रभुपाद ने कराई और उन्होंने भी सबके सामने फेरे लगाए, 5,000 लोगों के सामने माला पे नारे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भाग गए दोनों, वो पता नहीं लगा बट एग्जैक्टली क्या हुआ, बट शादी हुई। अब प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने मुझे बोला, शिक्षा गुरु है। तो भगवान गाइडेंस देते हैं, भगवान गाइडेंस देते हैं, अगर आप गाइडेंस लेना चाहो तो। एक्चुअली विमला ठाकुर से भगवान एक और चीज़ कह रहे हैं, मतलब एक तो चलो ये बात हो गई, मगर भगवान ये भी कह रहे हैं विमला ठाकुर से कि तुम ये प्रेम और भक्ति के चक्कर में क्यों पड़े हो, ज्ञान लो और मुक्ति प्राप्त करो। मतलब दैट्स द होल आइडिया, सारे ज्ञानी लोग मुक्ति के पीछे हैं तो तुम प्रेम के पीछे क्यों हो ऐसे? शास्त्रों में तो मुक्ति की चर्चा है, उपनिषदों में मुक्ति की चर्चा है, भागवतम में भी मुक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे जब मुकुंद नाम लिया तो क्या तो मुक्ति भी नहीं चाहते तुम? तब विमला ठाकुर कह रहे हैं कि वेदनम चमे, कि भगवान आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान लेके मुक्ति लो, मेरे हिसाब से तो वेदनम, वेद का मतलब है ज्ञान, आप ही मेरे ज्ञान है और आप ही मेरी मुक्ति है। ठीक है, शास्त्रों में गलत नहीं दिया, ज्ञान लेके मुक्ति प्राप्त करो, मुझे पता है, बट मेरे अनुसार तो आप ही मेरा ज्ञान है, आप ही मेरी मुक्ति है, इसलिए मैं आपके पीछे हूं। बाकी लोग जो भी समझते रहे, ज्ञान का मतलब है उपनिषदों को पढ़ना और ध्यान लगाना, और मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्ति, मगर मेरे अनुसार ये डेफिनेशन नहीं है। वेदनम चमे। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण ने कहा कि ठीक है बिलमुला, तुम तो शुद्ध भक्ति कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुक्ति भुक्ति के पीछे नहीं होगे, दैट्स ओके, मगर तुम वैकुंठ प्राप्ति क्यों नहीं करना चाहते? वैकुंठ की तो बहुत चर्चा है पुराणों में, शास्त्रों में, वैकुंठ का वैभव, वैकुंठ का ऐश्वर्य इतना महान है, तुम क्यों मेरे 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 पीछे और गोलोक के पीछे पड़े हो, श्याम सुंदर रूप के पीछे पड़े हो? तो इस पे विमला ठाकुर ने कहा वैभवम चमे। विमला ठाकुर कह रहे हैं कि वेल, आप ही मेरा ऐश्वर्य हैं। इनफैक्ट वृंदावन में ऐश्वर्य माधुर्य ही है। वृंदावन ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? महानता। वृंदावन में भगवान की महानता है कि वो अपने भक्तों को प्रेम देते हैं और प्रेम स्वीकार करते हैं। वैकुंठ में महानता है कि वहाँ पे जेम्स हैं, मनिया हैं, कल्पतरु वृक्ष हैं, चिंतामणि धाम है। वैकुंठ अलग टाइप का, नहीं, इट्स वेरी क्लीन, डिफरेंट, अलग टाइप का है। महल है बड़े बड़े, कृष्ण विष्णु भी महल में रहते हैं बीच में। बट विमला ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं, गोलोक के वैभव के सामने वैकुंठ का वैभव कुछ भी नहीं है। वो क्या है वैसे गोलोक का वैभव, कैसे वो है? हाँ, गोलोक का वैभव लीला प्रकाश करीला। हाँ ऐसे है, तो गोलोक का जो वैभव है वो वैकुंठ के वैभव से बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि गोलोक के वैभव में, गोलोक में लीला है भगवान की, इतनी मधुर लीला है, उस मधुर लीला के महानता के सामने वैकुंठ की लीला का कोई मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर के बीच में यही डिस्कशन हुई। श्रीवास ठाकुर ने कहा वैकुंठ महान है मेरा, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है। स्वरूप दामोदर ने कहा नहीं, गोलोक महान है। तो उनमें डिबेट छिड़ गई। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा आप क्या जानते हो वैकुंठ के बारे में, इतने सारे हीरे मोती है, कितना सारा ऐश्वर्य है। स्वरूप दामोदर ने कहा तुम क्या जानते हो वृंदावन के बारे में, वृंदावन के एक एक धूल के कण के अंदर पूरे करोड़ों वैकुंठ है,
अब बताओ। सो हमेशा एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने भी कहा था, जैसे बड़े बड़े राजा होते थे, बड़े बड़े राजाओं को एक एक रानी अपने कंट्रोल में करती थी, है ना। तो राजा के बाद इतना बड़ा वैभव है, मगर वैभव भी किसके अंडर है? प्रेम के अंडर है। राजा भी रानी के सामने झुकता है क्योंकि वहां पे माधुर्य है। इसलिए बिल्कुल ठाकुर कह रहे हैं वैभवम चमे। एक बार किसी को भगवान के प्रेम का और माधुर्य का आस्वादन हो जाए तो फिर वैकुंठ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे ये जो था ना गोप कुमार बृहद भागवत अमृत में, तो गोप कुमार गया वहाँ, क्या कहते हैं, वैकुंठ गया। तो गोप कुमार था तो वृंदावन से ही, वैकुंठ पहुँच गया तो वैकुंठ में उसको बड़ा अच्छा, वैकुंठ में जब गया तो वहाँ पे विष्णु मिले नहीं उनको शुरू में। तो ऐसे ही तो जो गार्ड से उन्होंने कहा ठीक है अभी विष्णु आने वाले हैं, तुम थोड़ा घूमो, बताओ हमें कैसा लग रहा तुम्हें वैकुंठ, घूम के थोड़ा घूम घूम लो इधर उधर ज़रा। तो गोप कुमार अपना घूम रहा था, गार्डन्स देख रहा था, महल देख रहा था, उसको बड़ा सुंदर लगा। तो वहाँ पे उसने एक व्यक्ति देखा जो चार हाथों वाले नहीं आया, तो उसको लगा ये विष्णु है, प्रणाम करके लेट गया। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये विष्णु नहीं है, ये तो विष्णु के भक्त हैं। उसने कहा बड़ी अजीब सी बात है। फिर दूसरे आया चार हाथ वाला, फिर से लेट गया वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये भी विष्णु नहीं है। तो उन्होंने कहा विष्णु को पहचानने का तरीका है कि वैकुंठ में विष्णु के गले में कस्तूप की मणि होती है, कस्तूबा ज्वेल है विष्णु के, विष्णु भगवान के वक्षस्थल पे। तब फिर बाद में, तो बाद में विष्णु आए तब वो प्रणाम किया जो भी किया। तो मगर उसके बाद थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिन तो मज़ा आया उसको वैकुंठ में गोप कुमार को, मगर थोड़े दिनों बाद गोप कुमार वैकुंठ में बहुत बोर हो गया। तो विष्णु को पता लग गया कि गोप कुमार बोर हो रहा है, वैकुंठ में कौन बोर होता है, नहीं वैकुंठ में तो कोई बोर ही नहीं हो सकता। गोप कुमार बोर हो गया, विष्णु भगवान को पता लग गया गोप कुमार बोर हो रहा है। तो विष्णु भगवान ने नारद मुनि को भेजा गोप कुमार के पास कि भाई समझाने के लिए, देखो भाई तुम वैकुंठ के हो नहीं, तुम तो गोलोक के हो, इसलिए तुम ज़्यादा अच्छे यहाँ से निकल लो, अदरवाइज यहाँ पर बोर हो जाओगे, कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। तो गोप कुमार ने कहा ठीक है दैट्स ओके। सो वो वैकुंठ छोड़ के कहाँ चला गया, फिर आगे अपनी जर्नी प्रोसीड की। सो गोप कुमार को वैकुंठ में अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैकुंठ में प्रेम की कमी है, गोलोक में प्रेम है भगवान और उनके भक्तों का, और भक्त और उनके भगवान का। सो वैभवम चमे, फिर विमला ठाकुर कह रहे जीवनम चमे। विमला ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान आप मेरा ईश्वर है, आप ही मेरा सब कुछ है, एक्चुअली आप ही मेरे जीवन का जीवन है। डिवोटी की लाइफ में डिवोटी इस तरह भगवान को देखता है, यू आर द कॉज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का स्तोत्र आप है, मेरे जीवन का सस्टेनेंस आप है, मेंटेनेंस आप, मेंटेनर आप है। क्या नहीं ये सब देख सकते हो। सो इस तरह से ये जो विघ्न ठाकुर कह रहे जीवनम चमे, एक डिवोटी हमेशा ये सोचता है कि गोप्त वृते वर्णम तथा, कि भगवान ही मेरे जीवन का पालन कर रहे हैं, भगवान ही मेरे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब कृष्णा मैनेज कर रहे हैं। एक डिवोटी को ये फेथ होना चाहिए, अगर ये फेथ टूट गया तो फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। सो चाहे हमारे लाइफ में दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कौन मैनेज कर रहे? कृष्णा। इसलिए डिवोटी कहता है जीवनम चमे। अब ये जो फेथ लाना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अच्छा समय होता है तब तो भगवान नज़र आते हैं, जब बुरा होता है तो भगवान नज़र नहीं आते। जब बुरा होता है तो हमें लोग नज़र आते हैं कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, ऐसा होता है। बट एक डिवोटी की लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हो, वो उसमें कैपेसिटी होती है सबके पीछे भगवान को देखने की। एक नया डिवोटी या नॉन डिवोटी तो चलो उसको पता ही नहीं, नया डिवोटी भूल जाता है क्योंकि वो घबरा जाता है सिचुएशंस में। इसलिए विमला ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान आप ही मेरा जीवन है। विमला ठाकुर ने अपनी आँखें फोड़ ली थी, पता है ना। विमला ठाकुर
एक स्त्री के जब अपने वृंदावन जा रहे थे तो बीच में भीख मांगने गए, तो एक स्त्री ने आके भीख दी, तो बिंगमला ठाकुर ने क्या बोला था उसको? अब बिंगमला ठाकुर ने एक्चुअली उस स्त्री से ऐसा कहा था, बिंगमला ठाकुर ने स्त्री से बोला, स्त्री ने कहा कि आपको क्या भिक्षा चाहिए? तो बिंगमला ठाकुर ने कहा मुझे कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले बैठना है। दैट वाज इंटरेस्टिंग। बिंगमला ठाकुर अभी वैश्य के साथ ही थे काफ़ी टाइम, तो ही कुडंट रियली कंट्रोल हिज माइंड। तो वो स्त्री अपने हस्बैंड के पास गई, उसने कहा कि ये तो ऐसी भिक्षा मांग रहे हैं। हस्बैंड ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो संत है, ठीक है, कुछ बोलना होगा। तो बिंगमला ठाकुर को बहुत बुरा लगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ख़राब चीज़ सोच रहा हूँ। बिंगमला ठाकुर ने स्त्री से कहा कि अपना जो हेयर पिन दे, मुझे हेयर पिन होता है ना, वो लिया और हेयर पिन से अपनी आँखें फोड़ ली दोनों। यू कैन इमेजिन, ठीक है, मंदे। और वो फिर उसके बाद वो वृंदावन गए। वृंदावन में ऐसा कहा जाता है कि बिंगमला ठाकुर की एज 800 साल थी, 800 साल जिए वृंदावन में। और वो उसके बाद साधना करके सिद्ध हो गए। बिंगमला ठाकुर साधना सिद्ध भक्त थे, और भगवान ने फिर भगवान के द्वारा, उनके मुख के द्वारा कृष्ण कर्णामृत ये किताब प्रकट हुई। सो इसलिए बिंगमला ठाकुर कह रहे, अब 800 साल कुछ तो कर रहे होंगे वृंदावन में, समथिंग ही माइट बी डूइंग। सो कह रहे हैं जीवनम च मे, चाहे आपको मुझे खाना मिले नहीं मिले, रहना मिले नहीं मिले, कुछ भी हो, जो कृष्णा कह रहे हैं ना, दुख में सुख में समान रहो, गर्मी में सर्दी में समान रहो, मान अपमान में समान रहो। जो ज्ञानी और ध्यानी लोग सोचते हैं समान मतलब है कि ठीक है मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मगर डिवोटी ऐसा नहीं सोचता। डिवोटी के हिसाब से समान का मतलब है कि दुख में और सुख में समान रूप से भगवान को देखना, सर्दी गर्मी में समान रूप से भगवान को देखना। योगी के लिए सर्दी गर्मी एक ही है, जो मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊंगा ठीक है चलो मुझे ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है। डिवोटी ऐसा नहीं है, डिवोटी सर्दी में कपड़े पहन लेगा, गर्मी में कपड़े उतार देगा, व्हाटएवर एग्जांपल। बट डिवोटी के लिए समानता का मतलब है कि समान रूप से कृष्ण को हर सिचुएशन में, सर्दी गर्मी में देख रहा है, उसको पता है सर्दी भी भगवान का अरेंजमेंट है, गर्मी भी भगवान का अरेंजमेंट है। क्लियर है? तो एक डिवोटी बहुत रियलिस्टिक वे में सोचता है, मतलब सर्दी क्यों होती है, सर्दी इसलिए होती है इसलिए, भगवान सिर्फ हमारे बारे में थोड़ा ना सोच रहे हैं, भगवान सारे जीव जंतुओं के बारे में सोच रहे हैं। बारिश क्यों हो रही है, आप कहो बारिश क्यों हो रही है, वेल इंसान तो खोद के निकाल सकता है पानी, जानवर क्या करेंगे, पशु पक्षी क्या करेंगे। सो भगवान इसलिए, उसको पता है कि सबके पीछे प्लानिंग कौन कर रहा है, कृष्णा कर रहे हैं, उनकी बहुत ब्रॉड विजन है, इसलिए आप कह रहे हैं जीवनम चमे। फिर भगवान ने कहा ठीक है बिंगमला ठाकुर, तुम तो भक्त हो, तुम तो हर सिचुएशन में मुझे देखोगे, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम मुझे अपना जीवन समझते हो। बिंगमला ठाकुर कह रहे हैं नहीं भगवान, आपने एक्चुअली थोड़ा मुझे बोलने नहीं दिया। जीवितम चमे, आप मेरे जीवन का कारण नहीं है, आप मेरे जीवन का भरण पोषण नहीं करते, आप मेरा जीवन ही हैं। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये है ना आपका कौन सा श्लोक कि भगवान मैं का भी मैं, कौन सा श्लोक है भागवतम का, द आई भूल गया, शुरू में ही आता है, आई जस्ट फॉरगॉट। भागवतम कह रही है कि कृष्णा कौन है, मैं का भी मैं है, इज आई ऑफ आई, आत्मा की भी क्या है, आत्मा। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, परमात्मा। परमात्मा के दो मतलब हैं, एक मतलब है परमात्मा का कि आत्मा की आत्मा, दूसरा मतलब परमात्मा है कि आत्मा से जो परम है, आत्मा से जो बियॉन्ड है, आत्मा को कंट्रोल करने वाली आत्मा, वो परमात्मा। और तीसरा मतलब परमात्मा का है कि जो आत्मा को परम प्रिय। सो अलग अलग लोग अलग अलग मतलब लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय में परमात्मा का मतलब यह है कि जो आत्मा की आत्मा है। मध्वा संप्रदाय में परमात्मा का मतलब है जो आत्मा को कंट्रोल करने वाली परमात्मा है। और हम जीवा गोस्वामी हमारी संप्रदाय में लिख रहे हैं कि हमारे आपसे परमात्मा का मतलब है जो आत्मा को परम प्रिय है। बट चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब क्या होता है कि परमात्मा आत्मा की आत्मा, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल?
ठीक है, एक बात ये कह सकते हो, परमात्मा आत्मा की आत्मा है, मतलब कि बिना परमात्मा के आत्मा एग्जिस्ट, बिना परमात्मा के आत्मा की सत्ता नहीं रह सकती, ऐसे बिना सूरज के सूर्य की किरणें नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिना परमात्मा के आत्मा नहीं रह सकती, इट सीज टू एग्जिस्ट। क्लियर हो गया? एक मतलब ये, और दूसरा मतलब क्या है? एक प्रैक्टिकल मतलब भी है परमात्मा का, आत्मा की आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा परमात्मा पे डिपेंड करती है बहुत ज्यादा, वो तो दूसरा मतलब है। अभी जो आपने समझाया ये ना, आत्मा, हम आत्मा से, आत्मा के, आत्मा से ही निकले हैं, क्या आत्मा की आत्मा से, मतलब आत्मा परमात्मा से जुड़ के ही खुश होगा। एक्चुअली क्या है कि आत्मा को, परमात्मा को आत्मा की आत्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आत्मा मतलब क्या, मैं है ना, ये फीलिंग है ना, मैं हूँ, आप सबको लग रहा है ना मैं हूँ, यही आत्मा है ना, क्योंकि आप आत्मा हो इसलिए आपको लगता है मैं हूँ, मैं, ये व्यक्ति ये है, मैं हूँ, है ना, ये है ना। मगर जिसको अनुभव हो जाएगा कि आत्मा की आत्मा परमात्मा है, उसको लगेगा कि, उसको क्या लगेगा, उसका मैं कृष्ण से जुड़ जाएगा, उसको लगेगा कृष्णा भी मेरा है, मेरे हैं और कृष्णा भी मैं हूँ। ऐसे माँ को बच्चा क्या लगता है कि मैं ही हूँ, माँ को बच्चा यह नहीं लगता कि मेरा है, माँ को लगता है मैं ही हूँ, मेरा ही पार्ट है, माँ बच्चे को अलग नहीं समझती। उसी प्रकार जो डिवोटी है वो भगवान से आइडेंटिफाई करने लगेगा, जिस तरह हम अपने आप को, मैं को प्रेम करते हैं, उतने उतना ही प्रेम हम कृष्ण को करेंगे। इसका मतलब है आत्मा की आत्मा। हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? मैं को ना, अपने आप को ना सबसे ज्यादा प्रेम हम करते हैं, उतना ही प्रेम हम कृष्ण को करेंगे। ये मतलब है आत्मा की आत्मा परमात्मा है। इसीलिए जीवा गोस्वामी ने परमात्मा का मतलब दिया है कि आत्मा को, आत्मा की परम प्रिय है परमात्मा, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। ऐसी गोपियां हैं, ऐसी यशोदा माँ है, नंद बाबा हैं, यशोदा माँ, नंद बाबा और गोपियां कृष्ण को उतना ही प्रेम करती हैं जितना अपने आप को करती हैं। एक्चुअली वो कृष्ण को अपने आप से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं, उनका तो एक नेक्स्ट लेवल चला गया एक्चुअली। तो भगवान को वैसे प्रेम करना जैसे हम अपने आप को करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ठीक है, कोई कहेगा ठीक है हम तो प्रेम करते हैं कृष्ण को, जैसे अपने आप को करते हैं ऐसे भगवान को करते हैं, क्या मिल गए? उसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी कह सकता है कि, कोई भी कह सकता है हम तो कृष्ण को वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे अपने आप को करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जीवितम चमे, एक और मुझे मीनिंग चाहिए, ऐसे पता नहीं, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही ये है कि भगवान से वैसे प्रेम करना जैसे अपने आप को प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? या दूसरे शब्दों में हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कृष्ण से उतना प्रेम हो गया जिससे जितना अपने आप से प्रेम है? पता कैसे लगेगा? बोल तो कुछ भी सकते हैं हम थ्योरी में, प्रूफ क्या है इसका? पता कैसे लगेगा? वो तो हाँ वो कह सकते हो, मगर वो सहजिया भी ऐसे ही करते हैं, 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, कहते हैं ठीक है। मैंने उस मतलब लोगों का जीव है ना, जैसे कल नहीं उस दिन नहीं पूछा था संडे प्रोग्राम में कि चैंटिंग के में किसका पूरी तरह मन लग जाता है, लड़के ने नहीं कहा था मेरा लग जाता पूरी तरह। उसको पता ही नहीं लगा। हमें कैसे पता लगेगा कि हम कृष्ण से उतना ही प्रेम कर रहे हैं जिससे अपने आप से कर रहे हैं? अगर कर रहे हो तो भगवान के बिना मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमसे खुद से बहुत प्रेम करते हैं। जिस तरह तो मतलब इसका मतलब है, जैसे मतलब है कि प्रूफ क्या है जिस तरह कैसे पता लगेगा? या चलो मान लीजिए आज माँ भागवत ने आके मुझे बोल दिया, प्रभु जी मैं तो वैसे ही प्रेम करता हूँ, जितना उतना प्रेम करता हूँ जितना अपने आप को करता हूँ। अब मुझे माँ भागवत को कह रहे हैं ये तू गलत कह रहा है, तो कैसे प्रूफ करूंगा झूठ बोल रहा है? जिस तरह हरे एक्टिविटी अपने लिए करते हैं भगवान के लिए करेंगे, वो पता नहीं लगेगा, लोग कहेंगे हम कर रहे हैं। नहीं, जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, तो आप भी मर जाओ।
ये सब बेकार की थ्योरी है, सब सब थ्योरी है सब। क्वेश्चन समझ आ रहे है ना? कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने को तो भक्ति में बहुत सारे डायलॉग हैं, बहुत सारे शेर शायरी है, पता कैसे लगे? जब कुछ डेंजर होता है तो yes. सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद को, ये बात है, सर्वाइवल रिफ्लेक्स, उससे पता लगता है। अपने आप को पूरी तरह बचाने की कोशिश करेंगे हम, जब भी कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हो सकता है मैं अपने बच्चे को भी छोड़ दे शायद, और भाग जाए एक सेकंड के लिए, फिर ध्यान आ रहे मेरा बच्चा। तो अपने आप को जो बचाने की टेंडेंसी है ना, वो हम अपने से प्रेम का एक क्या कहते हैं उसका, एक एक्सप्रेशन है। हम अपने को जो बचाते हैं, सो ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग चौथी चीज जो है। सो जिस तरह हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह कृष्ण को बचाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब आपको कृष्ण से उतना प्रेम हो गया, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। पता, मैं दूसरा सोच रहा था बस, हाँ ये मैं भूल ही गया। एनीवे समझ गए। सो जब आप भगवान को उतना बचाना चाहोगे जितना अपने आप को, इसका मतलब उनसे प्रेम है। भगवान को बचाने का मतलब क्या है? हाँ, अपने भगवान को बचाना मतलब कि भगवान के वैष्णव की रक्षा करना, भगवान के यश की रक्षा करना, भगवान के मैसेज की रक्षा करना, उतने ही एंग्जाइटी के साथ जितना अपनी रक्षा करते हो, उतनी चिंता के साथ। शीला प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद कितने बीमार थे, हेल्थ खराब थी, बट फिर भी प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। शीला प्रभुपाद को तमाल कृष्ण महाराज ने लेटर लिखा, प्रभुपाद तमाल कृष्ण लेटर पढ़ रहे थे किसी का, तो डिवोटी ने लेटर भेजा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद हमने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, इतनी की, इतनी की, इतनी की, इतनी की। फिर एंड में तमाल कृष्ण महाराज पढ़ रहे हैं कि डिवोटी लिख रहे हैं कि आई होप शीला प्रभुपाद दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ एंड डेज में। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज का व्हाट गुड हेल्थ, माने का डजंट मैटर गुड हेल्थ और बैड हेल्थ, माने का इट व्हाट मैटर इज कृष्णा। सो तो पॉइंट ये है। सो इसलिए ये जो सर्वाइवल रिफ्लेक्स है, जब भगवान से जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप भगवान को उतना ही प्रेम करते हो। जब भगवान के भक्तों की उसी तरह रक्षा करोगे जैसे अपने आप करोगे, भगवान के भक्तों की उसी तरह केयर करोगे जैसे अपने आप की कर रहे हो, भगवान के यश की, भगवान के मैसेज की उसी तरह ध्यान रख रहे हो जैसे अपने आप की, अपने आप का ध्यान रख रहे हो, बस इसका मतलब है कि आप भगवान से प्रेम करते हो। जब अगर भगवान का यश कम हो रहा है, अगर भगवान की सेवा में कमी हो रही है, तो आपको उसी तरह टेंशन होगी जैसे आपको अपने लिए टेंशन होती है जब खाना पीना कम हो जाता है ना? क्योंकि तो प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आती है, मतलब भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, वही टेंशन भगवान से लिंक हो जाएगी। जब भगवान का कुछ कम हो रहा होगा आपको वही टेंशन हो जाएगी। सो इसका मतलब प्रेम हो गया, इसी से पता लग सकता है, और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। इसलिए कहते हैं आत्मा की आत्मा क्या है? परमात्मा। वो जो आत्मा की आत्मा जो है उसको अनुभव करने का मतलब यही है, प्रैक्टिकल। अब ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान अपने आप को लेकर जो चिंता होती है और प्रॉब्लम्स में, वो भगवान को लेके नहीं होती है, नहीं कहाँ होती है बताओ, उस कहाँ होती है हमें, या वैष्णव को लेके या भगवान का मैसेज लेके कहाँ होती है? भक्ति संदास ठाकुर को थी। भक्तिशाल ठाकुर ने जितने भी सहिजय लोग थे, अपसंप्रदाय वाले थे, मैसेज चेंज कर रहे थे, सारे मायावादी लोग मैसेज चेंज कर रहे थे, भक्तिशाल ठाकुर को इतनी टेंशन हो गई भगवान का मैसेज चेंज कर रहे हैं, वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने खड़े हो गए, और तो कोई भी वो आता था ना मायावादी, तो उसका गला पकड़ के कहते थे साले तू गंद है, कॉलर पकड़ के, मायावाद छोड़ दे, आत्मा परमात्मा नहीं है, जगन्नाथ है, तो वो कॉलर छोड़ के भागता था वहाँ से। तो लोगों ने रास्ते ही चेंज कर लिया था कि यार वो खड़ा होगा वहाँ भक्तिशाल सोई ठाकुर, और वो विमल प्रसाद वो हमें मारेगा। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, अपर संप्रदायों के अगेंस्ट भक्तिशाल ठाकुर ऐसे बोल रहे थे, ऐसे शेर बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत
उनको वैसे ही चिंता है जैसे अपने लिए, वो भगवान का संदेश बचाना चाहते हैं, शुद्ध रखना चाहते हैं उसको। विश्वनाथ ठाकुर सबसे लड़ लिए पूरे वृंदावन में, है ना। अगर आपको कोई मारने आता तो सबसे लड़ नहीं लोगे? ऐसे ही भगवान का मैसेज चेंज हो रहा है, वो देख ही नहीं पाए, सबसे लड़ गए वो। और उनका उनका मर्डर भी करने की कोशिश की विश्वनाथ ठाकुर की वृंदावन में, पता है ना, पता है। विश्वनाथ ठाकुर का उन्होंने सोचा, लोग परेशान हो गए ना, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर किताब पे किताब लिख रहे थे कि ये लोग गलत हैं, गंद है, सारा काट कूट के ख़त्म कर दिया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, इसका मर्डर ही करना पड़ेगा, हो गया, बहुत हो गया। तो सब छुप गए, तो उसको बोलते एम्बुश कर लिया, नहीं छुप गए। ने कहा आएंगे वो तो हम पकड़ के खून कर देंगे, क्या बूढ़े से तो हैं विश्वनाथ ठाकुर, उसमें क्या है, मतलब एक चक्कू तो मारना है, ख़त्म। तो सब छुप गए। तो विश्वनाथ ठाकुर जब आ रहे थे, तो जब आए तो एक एक कुंड था, गोविंद कुंड है वृंदावन में। तो वो स्नान करने गए, स्नान किया, जब बाहर निकले तो एक गोपी निकली, विश्वनाथ ठाकुर थे ही नहीं, छोटी लड़की निकली। तो छोटी लड़की आने लगी तो ये लोग कहने लगे ये कौन है, वो कहाँ चले गए विश्वनाथ ठाकुर। तो लड़की आई तो उनको पता लग गया, भैया ये तो विश्वनाथ ठाकुर तो ऑर्डनरी नहीं है, ये तो मंजरी है। मतलब विश्वनाथ ठाकुर ने अपना स्पिरिचुअल फॉर्म उनको दिखा दिया। फिर सब ने आके दंडवत किया, सब ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो मंजीरे ने कहा कि कोई नहीं, मैं तो पास के गांव की हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा के लिए जाना है, इसलिए मुझे माफ़ करना। तो वो जाने लगी, और जाते जाते एकदम से विश्वनाथ ठाकुर में चेंज हो गई। That's how it went. Some magic, नहीं? So that's the idea there. तो वो खून कर नहीं पाया उनका, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दीजिए। सो ये आचार्य होते हैं, आचार्यों की स्ट्रांग प्रीचिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि वो पागल होते हैं और फैनेटिक होते हैं, इसलिए होती है क्योंकि वो कृष्ण को उसी तरह प्रेम करते हैं जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं। अगर कृष्ण को प्रेम करोगे तो कृष्ण के संदेश को भी करोगे, कृष्ण के भक्तों को भी करोगे, कृष्ण का सब कुछ उतना ही प्रेम होगा, है ना। प्रेम का मतलब ही होता है जिसको प्रेम करते हो उसकी सारी चीज़ों से उतना ही प्रेम करते हो जितना उससे करते हो, प्रेम का मतलब ही है। जैसे भगवान ही नहीं कह रहे गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, कृष्णा कह रहे केवल एक मेरी शरण लो, एक मतलब केवल मेरी ही शरण लो एक। तो पंजाब में ना एक सेक्ट है जिसको कहते हैं जय कृष्णिया, तो जय कृष्णिया वाले कहते हैं देखो कृष्णा कह रहे हैं केवल मेरी शरण लो, तो तुम लोग बीच में राधा को क्यों ला रहे हो, उनका आर्ग्यूमेंट है। कृष्ण तो नहीं कहा कि राधा मेरे और राधा की शरण लो, कह रहे हैं केवल एक मेरी शरण लो एक, तुम दो को क्यों ला रहे हो। तो हमारा आंसर क्या है उनके लिए, प्रजा भी होते हैं और उनका सेक्रेटरी होता है, मंत्री होता है, रानी होता है, इसी प्रकार कृष्णा है का मतलब उनका एसोसिएशन भी। मैं कृष्णा ही कह रहे हैं केवल मेरी शरण लो, मेरे और किसी की मत लो। फिर क्या आंसर, क्या आंसर बता चुका हूँ मैं, कहूँ जो भी कृष्णा से कनेक्टेड है, आंसर ये है कि भगवान कह रहे हैं केवल मेरी शरण लो एक मेरी, कह रहे हैं कि केवल मुझसे प्रेम करो, है नहीं। तो मैंने अभी बताया प्रेम का स्वभाव क्या है, आप जिससे प्रेम करते हो उसी उसकी हर चीज़ से प्रेम करते हो, है ना। अगर आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो कृष्ण की बांसुरी से नहीं करोगे, कृष्ण के मोर मुकुट से नहीं करोगे, फिर तो कृष्ण की राधा से नहीं करोगे। प्रेम का स्वभाव ये होता है, जैसे माँ को, तो जैसे एक माँ है तो माँ को, तो माँ का एक बच्चा है तो माँ को केवल अपने बच्चे से प्रेम है ना, और किसी से नहीं होता है, नहीं। वो होता है ना घर में ऐसे, वो तो जो नौकरानी के भी बच्चा आ जाता है तो जो औरतें हैं कहते हैं साइड में बैठ, अपने बच्चे को ही करती रहेगी यार, ऐसे ही होता है ना, दूसरों के बच्चों से नहीं होता, अपने बच्चों से होता है केवल। तो मगर अपने बच्चों की सारी चीज़ से प्रेम होता है, उसकी निक्कर से, उसके कॉपी से, उसके खिलौनों से, सबसे ही होता है माँ को, है नहीं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं केवल मेरी शरण लो, हाँ भगवान की शरण ले रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं। मगर प्रेम का स्वभाव ये है कि जिससे कृष्णा प्रेम करते हैं हम भी उससे प्रेम करते हैं। अगर कृष्ण से प्रेम करेंगे तो जिससे कृष्णा प्रेम करेंगे हम उसको प्रेम नहीं करेंगे, या कृष्ण से प्रेम करेंगे और जिससे कृष्णा प्रेम कर रहे हैं उसकी उससे कुछ नहीं करेंगे, फिर तो नॉनसेंस है।
इसलिए उनका लॉजिक गलत हो गया. दैट्स अ रॉन्ग लॉजिक देयर. सो ये मतलब है तभी बिलुना ठाकुर कह रहे हैं जीवितम चमे, कि आप मेरा जीवन ही है, आप मेरा जीवन ही है. जिस तरह मैं अपने बारे में चिंता करता हूँ दिन रात, उसी तरह मैं आपके बारे में चिंता करता हूँ. शीला प्रभुपाद चिंता शब्द ला रहे हैं, ध्यान नहीं ला रहे. ध्यान तो सहजिया लाते हैं, जिस तरह अपना ध्यान करते हैं इस तरह कृष्ण का 24 घंटे ध्यान करते हैं. नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं चिंता. द एंग्जाइटी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. हमें अपने को लेके बहुत चिंता है, नहीं हेल्थ खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा. सेम चिंता कृष्ण को लेके होगी कि कृष्ण के मिशन का क्या होगा आगे फ्यूचर में, उनकी गीता का क्या होगा, कहीं खो तो नहीं जाएगी, उनके डिवोटीज तो नहीं खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कैसे होगा क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जीवितम चमे, इसका मतलब है जीवितम चमे दैवतम चमे देवनापरः. विंगला ठाकुर वही कह रहे हैं कि इसलिए कृष्ण मैं आपको परम देव मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ, प्रकाश मानता हूँ, सब कुछ मैं आपको अपना मानता हूँ. परम देव ना परम, आपसे ऊपर मैं किसी को भी नहीं समझता और ना मानता. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? बहुत मुश्किल है ये चिंता लाना कृष्ण के लिए, उसी तरह जैसे अपने लिए हो रही है. इट्स सो डिफिकल्ट. आई मीन टू से, हमारी लाइफ में कुछ हो जाए तो हम तो पागल हो जाते हैं. आप जाके धोती छीन ले, आप पागल हो जाओगे. कृष्ण के लिए ऐसे पागल चिंतित हो जाना, वो एक प्रभुपाद लिख रहे हैं यशोदा माँ चिंता में रहती थी कृष्ण को क्या खाना मिलेगा फॉरेस्ट में, भूखा तो नहीं है. ओपिया चिंता में है कि कृष्ण ने चप्पल नहीं पहनी है, नहीं कि उनके चरण में कंकड़ तो नहीं चुभ जाएंगे. गोपियों को चिंता है, ऐसे नहीं गोपियां बस गाने गाती, यशोदा माँ गाने गाती जा रही है, कन्हैया तू बहुत सुंदर है, ये लंच बनाना ही भूल गई. ओ सॉरी. वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है वो चीज़. ओके, ये चिंता होना कि हम भगवान को आनंद नहीं दे पा रहे जितना भगवान चाहते हैं, दैट्स डिवोशन. हर जिस जहाँ पे चिंता है ना भक्ति में, वो भक्ति है. जहाँ चिंता नहीं है वो भक्ति नहीं मानी जाती, शुद्ध भक्ति. ये गीता में कहाँ है? किसी चीज़ में भी चिंता है वो भक्ति आ जाएगी. गीता में कहाँ लिखा है, क्या कहते हो? चिंता है वो अलग है, वो तो रिमेम्बर स्मरण के रूप में कह रहे हैं. चिंता शब्द का चिंता कहाँ है, कहाँ कह रहे हैं कृष्णा? मेरी जिस भी क्रिया में, भक्ति क्रिया में चिंता मिल जाएगी, वो भक्ति क्रिया शुद्ध भक्ति बन जाएगी. जल्दी बताओ. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्धच. युद्ध में भी चिंता होगा लेकिन घुमा के जोड़ रहे हो. मैं बताऊं, आपको पता है वैसे, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, हिंट दूं, फिफ्थ चैप्टर में भक्तारंभ में वही श्लोक आते हैं, है ना? बट हाँ, आंसर सही है, आंसर सही है. भोक्तारम यज्ञे तपसाम, भगवान उसी चीज को भोग करते हैं, रम उसी चीज को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे यज्ञ और तपस्या है. तो यज्ञ क्या होता है? सैक्रिफाइस, त्याग. नहीं, त्याग ही है ना. यज्ञ का एक और मतलब होता है चिंता करना, एंग्जाइटी, क्योंकि यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस होता है, नहीं? आपको सैक्रिफाइस कर रहे हो अपनी चीजें. किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए. तो जिस यज्ञ जिस सैक्रिफाइस में एंग्जाइटी नहीं है, वो सैक्रिफाइस कहाँ की सैक्रिफाइस है, नहीं? वो तो फिर एंटरटेनमेंट हो गया. भी अगर कुछ त्याग कर रहा है तो चिंता तो होगी ना उसको.
भगवान के लिए त्याग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के लिए वो चिंता कर रहा है। सैक्रिफाइस का मतलब ही होता है भगवान के लिए चिंता कर रहा है। सो भगवान के लिए चिंता जो होगी तब भगवान उसको स्वीकार करेंगे। जैसे आपने जैसे कुकिंग की आपने, तो कुकिंग में आपको चिंता हो रही है कि भगवान के लिए अच्छा बने, तो वो कुकिंग करना भगवान स्वीकार करेंगे, उसमें मज़ा आएगा उनको। वैसे भी स्वीकार कर लेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं हो रही, कोई नहीं अभी तो नहीं हो, होगी तो भोक्ता रम इन्जॉय करेंगी। इसको चिंता हो रही है मेरे लिए कि प्रसाद अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, या टाइम पे ऑफर होगा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर डीटीज हैं तो वो चिंता से ही वो यज्ञ बनता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई यज्ञ करेगा तो उसमें फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं करते लोग, ये पुत्र की प्राप्ति किसी की प्राप्ति, तो उसके लिए चिंता होती है ना कि भाई यज्ञ सही सही हो, वरना तो हमारा फल ही प्रकट नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जब डिवोटी भगवान के लिए यज्ञ करता है, भगवान के लिए सेक्रीफाइस करता है, तो उसको चिंता रहती है कि भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे, मैं इसको परफेक्टली करूँ, जितना अच्छा हो सके करूँ। इसलिए यज्ञ के अंदर चिंता की सेंस है, काफ़ी आचार्य इस तरह लिख रहे हैं। क्लियर है? तो इसलिए गीता में भी ये चिंता का जो भाव है वो ही भक्ति को शुद्ध भक्ति बनाता है। जितनी आपको चिंता होगी इसका मतलब उतना ही आप आगे बढ़ रहे, उसी से आप आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर निकलोगे। चिंता से ही हम ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग को कॉन्कर कर जाएंगे। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी कम सोते हैं, पता है आपको, है ना, नींद उड़ जाती है उनकी, टाइम ही नहीं होता खाने का, लगे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केस क्या हो रहा है, चिंता हो रही है। हाँ बस एग्जाम में भी तो नींद उड़ जाती है, चिंता हो गई। ऐसे अगर भक्ति में खाना पीना आहार निद्रा में मैथुन को कॉन्कर करना है तो चिंता से होगी, स्पिरिचुअल एंग्जाइटी से, वरना आप रोक नहीं कर पाओगे, रोकते रहोगे बीमार हो जाओगे। क्लियर हो गया? सो ये जीवनम चमे दैवतम चमे नाम चिंता। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? चैंटिंग करने से पहले चिंता होनी चाहिए, कृष्णा मैं चैंटिंग अच्छी तरह करूं कि जिससे आप खुश हों, तो उस चिंता से मन लगेगा। चिंता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बीट बैग उठाया, हरे कृष्णा हरे हरे, ठीक है, भगवान भी आएंगे, हरे कृष्णा ठीक है, रहो भैया यहाँ, नहीं होगा। चिंता फोकस लाता है, कॉन्सेंट्रेशन लाता है, एनर्जी फोकस होती है एक जगह, है नहीं, बिना उसके तो चलो ठीक है, चल रहा है आराम से, क्या है। माँ को बच्चे की चिंता होती है तभी तो पूरा फोकस रहता है उस पर। सिंपल टेक्निक है, रियलिस्टिक रियल टाइम टेक्निक है, यही गोपी भाव है, यही गोपी भाव है चिंता। शिला प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, तो आपको देखना है आपको कितनी चिंता हो रही है, उतनी जितनी अपने लिए हो रही है तो ठीक है। ओके, क्या कहते हो? तो ये जो वैकुंठ के बारे में अपने लेक्चर में भी बोला था, मैंने सुना था। एक क्वेश्चन ये कि तो गोलोक में जो प्रेम है ये वैकुंठ दास्य भाव है और कुछ इससे आगे वैकुंठ में प्रेम है, वैकुंठ में प्रेम है, मगर बहुत ही एक लो लेवल का प्रेम है। एक तो ऐश्वर्य मिक्स्ड है और मोस्टली दास्य भाव एग्जिस्ट करता है। मोस्टली वैकुंठ में मम्मी पापा तो है नहीं, उनके बाद से ले तो है नहीं, साखे भी एक लोअर लेवल का है, एक साखे भी वैसा नहीं है। तो विश्रम रेना ऐश्वर्य मिक्स साखे जिसमें वो अपने को दास समझते, वैकुंठ में दास रस प्रधान रहता है, मतलब दास प्रधान तो वहाँ पे भी है, मतलब तो दास्य रस टॉप मोस्ट है, सबको ओवर शैडो कर लेता है। गोलोक में माधुर्य रस टॉप मोस्ट है। वैकुंठ में हमेशा रहेंगे, वैकुंठ में चला गया वहाँ पे सेटिस्फाइड है, जैसे जय विजय है। आप उच्च गोलोक जाना चाहते हो? नहीं, लेकिन प्रेम नहीं, वो प्रेम है मगर वहाँ पे दास से रूपी और ऐश्वर्य से वो प्रेम, इसलिए बहुत कंस्ट्रिक्टेड है। अब वैकुंठ वालों से पूछे वो नहीं जाना चाहेंगे, वहाँ कहेंगे हम संतुष्ट हैं। और आप बोलोगे भी गोलोक का प्रेम ऊपर है, सपोज उनको तो पता ही है, हमें पता है उनको नहीं पता होगा, तो कहेंगे बहुत अच्छा है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके चरणों की धूल बनना चाहते हैं, ये है उनका।
बस वो तो महान है, उनको कृष्ण की, कृष्ण भगवान की एसोसिएशन मिल रही है। तो कभी वो लोग आगे बढ़ने का सोचने का वहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं है, वहीं संतुष्ट है वो, दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड। और चक्कर ये है ना, हम संसार में आगे बढ़ने की हैबिट है हमें, वहाँ तो वो खुश है, हम पीछे हैं, वहाँ तो पीछे जाने की हैबिट है। तो आपका आपसे ऊपर अयोध्या, उससे ऊपर गोल होकर कहेंगे बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। संसार में कहो आपसे ऊपर, अरे मैं आगे बढ़ूंगा, यू सी देयर इज अ डिफरेंस देयर, त्रिनादपि सोनी चेना, हम हैप्पी हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो वैकुंठ है, वहाँ जो वासी है, इधर के फिर से अपने एक लेक्चर में, वैकुंठ में तो जो वैकुंठ वासी हैं वो तो उनको तो वो तो वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड का वैकुंठ में जो जिनको सारूप्य सालोक्य मुक्ति मिलती है वो वहाँ पे जाते हैं और वो वापस आते हैं, मुक्ति मिली है उनको, प्रेम नहीं मिला। मगर अगर वहाँ रह के भक्तों का एसोसिएट करके वो प्रेम मिल जाए तो फिर वहाँ से फिर ट्रांसफर हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।